देवास जिले के नेमावर में वर्गीय एवं तवा डैम के 19 गेट खोले जाने पर जीवनदायिनी मां नर्मदा के जल स्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक खतरे के निशान से 5 फीट नीचे 880 पर जल स्तर पहुंचा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन में शासन प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। मां नर्मदा के घाटों पर NDRF की टीम, मोटर बोट एवं होमगार्ड की टीम के साथ ही गोताखोर की टीम तैनात की गई है। वहीं निचली बस्तियों को मुनादी करा करके सतर्क एवं अलर्ट रहने की हिदायतें दी जा रही है। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। नर्मदा का बढ़ते जल स्तर को लेकर के प्रशासनिक क्या व्यवस्था है? सर, पिछले 2 दिनों से तवा और बर्गी डैम के जो है गेट खोल दिए गए नर्मदा नदी के माध्यम से लिखे हैं, और इस वजह से नर्मदा नदी का जो एरिया देवास जिले में लगता है, नेवार घाट और उसके बाद धाराजी घाट पर सशस्त्र कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन, जिला कमांडेंट महोदय मैडम के मार्गदर्शन में NDRF एवं होमगार्ड की हमारी टीम सशस्त्र निगरानी में है, और नर्मदा नदी के किनारे लगे हुए गांवों को चौकीदारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है ताकि वो निगरानी बनाए रखे, और हमारी SDRF एवं होमगार्ड की टीम लगातार रेस्क्यू का जो है बचाव के लिए सतत ड्यूटी पर तैनात। क्या नाम है सर आपका? माखन सिंह पवार, ASI होमगार्ड देवास। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।